हे माय स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट पीपल, वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। यहाँ पर मिलेगी आपको इंडिया और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, क्विक रिव्यूज, प्रेडिक्शन, एनालिसिस। अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकेंड टेस्ट मैच का मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG पर खेला गया। एडिलेड में मिले जख्मों पर मरहम लगाते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया पर 8 विकेट से जीत के साथ 4 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। मैच के हीरो अजिंक्य रहाणे रहे, उन्होंने शतक जड़ा और शानदार कप्तानी की। लंच के समय ऑस्ट्रेलिया को 200 रन पर आउट करने के बाद भारत को मात्र 70 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रन पर आउट करने के बाद भारत ने 326 रन बनाए थे। अजिंक्य रहाणे ने जैसे ही जीत के लिए रन भागे तो टीम इंडिया जश्न मनाने लगी। पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे मोहम्मद सिराज ने भी जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर जीत का मोमेंट काफी वायरल हो रहा है। एडिलेड में अपने न्यूनतम टेस्ट स्कोर 36 रन पर आउट होने से मिले जख्मों पर इस जीत से मरहम लगेगा। इसके साथ ही अपने नियमित कप्तान और ICC दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर विराट कोहली की गैर मौजूदगी में मिली इस जीत में अजिंक्य रहाणे ने अपनी कुशल कप्तानी का लोहा मनवाने के साथ पहली पारी में शतक भी ठोका। रहाणे की कप्तानी में भारत ने अब तक खेले तीनों टेस्ट में जीत दर्ज की है, जिनमें 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 1 जीत अफगानिस्तान के खिलाफ मिली। छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा के विकेट गंवा दिए। इसके बाद हालांकि शुभमन गिल और रहाणे ने टीम को जीत तक पहुंचाया। टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले गिल ने दोनों पारियों में ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक तेज आक्रमण को बखूबी झेलकर साबित कर दिया कि वह भविष्य के सितारे हैं। वहीं उमेश यादव के चोटिल होने के बावजूद मोहम्मद सिराज ने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी और पहले ही टेस्ट में प्रभावित किया। फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड।